नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं आपका अपना अभिनव प्रशांशु पांडे। हमारी जो चर्चा का विषय था वो क्या था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोधों को समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ना सीखा। हम लोगों ने उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें की और आज जो है अब हमारी चर्चा का विषय क्या होने वाला है, इसके लिए आप पहले पेन कॉपी उठा लो। और फिर अगली बात यह है कि भौतिकी के अलावा आप भौतिकी मुझसे सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चीज़ें पसंद भी आ रही होंगी, लेकिन आगे जो है आपके बाकी विषयों का क्या। तो भाई अभिप्सा का जो एग्ज़ाम सीरीज चल रहा है मिशन 2023, यहाँ पर गणित, रसायन, भौतिकी, उसके बाद में जो है जीव विज्ञान, इन सारे के सारे विषयों पर सारे के सारे एक्सपर्ट टीचर लगे हुए हैं जो आपको परीक्षा की पूरी तैयारी करा के ही रहेंगे। मतलब हम सब ने ये ठाना है 100 में 100 पाना है, समझ रहे हैं आप बात को। तो जब ये जो 100 में 100 पाने की बात चल रही है तो आपको एप्लीकेशन में क्या फ़ायदा हो जाएगा। मतलब यूट्यूब में तो वीडियो है ही, आप एप्लीकेशन में क्या जाएंगे। यहाँ पर माइंड मैप मिलता है भैया, माइंड मैप जो एक नज़र में पूरा, एक नज़र में प्यार तो हो ना हो लेकिन एक नज़र में पूरा रिवीजन होता है। उसके बाद में आपको जो है शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, वो का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका जो है असर पड़ता है आपकी पढ़ाई पे, आपकी तैयारी पे, वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। जो है अगर कोई डाउट होगा तो आप वहाँ पर जो है पर्सनली जो है हमसे मैसेज करके चीज़ें पूछ सकते हैं। हमारा मेंटरशिप, हमारे गाइडेंस, ये सारी की सारी चीज़ें। और न सिर्फ ये, बल्कि अगर आप 12वीं पास करने के बाद में किसी कॉलेज के बारे में सोच रहे होंगे, कहीं आगे जाने का कुछ भविष्य के बारे में चिंतित होंगे, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी हमारे पास में एक्सपर्ट हैं। तो आपका काम क्या है, आइए प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन है, इंस्टॉल कीजिए, हमसे मिलिए और फिर मिलके मचाते हैं धमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा विद्युत, धारा विद्युत में जो है हम लोगों ने पहले वीडियो में अनुगमन वेग, दूसरे वीडियो में विद्युत प्रतिरोध के बारे में जो है बातें की। अब आज का जो भी चर्चा का विषय क्या है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा कैसे काम कर सकती है। हम लोगों ने देखा कि विद्युत जो विभव होता है, ये इसका नाम ही था प्रति एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य। अब ऐसी स्थिति में जो है हम क्या बोल सकते हैं कि dW बराबर VdQ। आपको समझ में आया नहीं आया भाई। कुल मिला के थोड़ा सा कार्य जो आवेश के द्वारा किया गया है वो किसके बराबर है, वो विद्युत विभव में थोड़े से आवेश को इधर से उधर ले जाने में किया गया कार्य है। अगर हम जो है यहाँ पर जो है अगर पूरा कुल मिला के क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यहाँ पर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो है हमको कुल मिला के किए गए कार्य की गणना करना है, तो यहाँ पर जो है अब हमको क्या मिल जाता है भाई, W बराबर V गुणा ठीक है V गुणा Q हो जाता है। अब ये Q, इसको जो है हम किसी और रूप में लिख सकते हैं क्या, आवेश को हम कैसे लिख सकते हैं। तो भैया हमको पता है I बराबर Q डिवाइडेड बाई T, तो मतलब Q बराबर होता है आई टी। और यहां से जो है अगर हम यहां ला के रख दे तो W का मान हो जाएगा V आई टी। ये हो गया भैया काम। तो अब जो है बताओ भाई कितना विद्युत विभव है, कितनी धारा है, वो कितने समय तक जो हमारा बल्ब जलता रहा, इससे जो है हमको कुल मिला के उपयोग की गई ऊर्जा का की गणना की जा सकती है। ठीक है, अब हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो भाई V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर। और इस तरीके से हम W बराबर क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर, क्योंकि नहीं वी स्क्वेयर नहीं, यहां पर हम लिख सकते हैं आई का स्क्वायर आर गुणा टी। क्या ये बात गलत बोली मैंने, बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हो सर, आगे क्या बोलेंगे सर। तो भैया ये एक तरीका हो गया। अब हम और क्या लिख सकते हैं, आई बराबर वी बटा आर होता है, तो इससे जो है हम लोग लिख सकते हैं W बराबर वी गुणा वी बटा आर गुणा टी, मतलब ये हो जाएगा वी का वर्ग बटा आर गुणा टी। ये भी जो है कुल मिला के किए गए कार्य की गणना है। तो वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर बटा टी, ये सारे के सारे जो सूत्र हैं इनसे जो है मैं आपको अलग अलग प्रश्न जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ सकता हूं और हर बार जो है आपको सही उत्तर देना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगली बात क्या है,
अगली बात है विदुर शक्ति। शक्ति का मतलब शक्ति 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 का मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब होता है प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। मात्रक क्या होता है? वाट। मात्रक होता है वाट। भाई आप बल्ब जलाते हो ना, 100 वाट का बल्ब जलाते हो, 50 वाट का बल्ब जलाते हो, 7 वाट का बल्ब जलाना है आपको अपने कमरे में, बाहर रोड में है रोशनी करने के लिए 20 वाट का बल्ब जलाओगे, एलईडी की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद में अगर आपको नाइट बल्ब जलाना है तो 3 वाट का खोजने जाते हो। तो ये वाट क्या है? कुल मिला के किए गए कार्य की प्रति एकांक समय में किए गए कार्य की गणना। अब W के बारे में हम लोगों को क्या पता है? बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुन रखी हैं W के बारे में। क्या क्या? W तो IRT है, तो इससे जो है हमको क्या पता चलेगा? पावर तो IRT/T, और यहाँ से P इज इक्वल टू IR हो गया। नहीं, IR नहीं, VIT होता है भैया, क्या बोल रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा, VIT होता है। तो यहाँ पावर जो है, यहाँ पर भी जो है देखो, तुम लोगों के चक्कर में सब गलती हो जाता है, इसको ठीक करो। तो ये हो जाएगा VIT/T, तो पावर हो जाएगा VI, ठीक है। अब अगली बात क्या है? अगले सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ देखो W = I²R/T, अभी ठीक है हाँ, तो I²R/T और बटे टी कर देंगे, मतलब यहाँ पर से टी कटाना है, तो पावर का मान हो जाएगा I²R/R। अच्छा, W = क्या होता है? V²R/T, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Power = V²R। तो इन सारे तरीकों से जो है हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भाई ये वोल्टेज था, ये करंट था, पावर बताओ। ये वोल्टेज था, ये रेजिस्टेंस था, पावर बताओ। ये वोल्टेज था, ये जो है, इस तरीके से इन सारे वेरिएबल्स को यूज करना है। आगे विद्युत सेल है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात और है। विद्युत ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने पता कर लिया, तो इससे जो है हम एक कमर्शियल यूनिट के बारे में जो है मतलब यहाँ से पावर से जो है एक कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और वो है औद्योगिक मात्रक किसका? ऊर्जा के औद्योगिक मात्रक। तो ऊर्जा का औद्योगिक मात्रक पावर हमको पता है। अब पावर से ऊर्जा निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? W = power × time। अच्छा, ये पावर को हम लोग जो है पहले तो वाट में लिख सकते हैं, और अगर जो है मैं वाट में जो है अगर घंटा मतलब टाइम को जो है सेकंड की बजाय अगर मैं घंटे में आवर्स में जो है गुणा करूं, तो इससे जो है हम जो मिलेगा वो ऊर्जा ही तो मिलेगी, ऊर्जा। अब वाट की बजाय हम लोग जो है मेगावाट भी लिख सकते हैं, मेगावाट, गीगावाट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है आर्स, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि हम जो बिजली खरीदते हैं वो एक यूनिट होता है, और वो जो है क्या होता है, वो किलोवाट आर होता है। यहाँ पर किलोवाट भी लिख सकते हैं, KWH। अब इसका मतलब क्या हो गया? किलोवाट आर, और किलोवाट आर मतलब किलो मतलब हजार गुणा वाट मतलब जो है 1 जूल प्रति सेकेंड, तो 1 जूल प्रति सेकेंड मतलब एक, और आर का मतलब क्या होगा? 60 गुणा 60। तो इस तरीके से हमको मिलता है 6 × 36, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हमको जो है इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10,00,000 36 लाख जूल जो ऊर्जा है, इसको 36 लाख जूल जो ऊर्जा है इसको मिला के जो है हम एक यूनिट बोलते हैं, और इसी के हिसाब से बिजली बेची जाती है। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं ना कि आपके मीटर में जो है 10 यूनिट 12 यूनिट 15 यूनिट मतलब बिजली आप लोगों ने जला दी, प्रति यूनिट इसका रेट कितना है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके घर में ऑन एन एवरेज कितनी ऊर्जा की खपत होती है, मतलब कितने यूनिट आप बिजली जलाते हो, और उसका रेट आपसे गवर्नमेंट कितना लेती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विद्युत सेल के बारे में बात करेंगे। विद्युत सेल होता क्या है? चित्र ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक से समझा दो सर। तो चलो समझा देते हैं।
एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इस बड़े से बर्तन को हम जो है क्या करेंगे, इसके अंदर कार्बन का नहीं, जिंक का एक और कॉपर का एक, दो जो है हम लोग क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोड बना देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है दो इलेक्ट्रोड बनाने के बाद में इसमें जो है हम लिक्विड क्या डाल देंगे, अगर हम बीच से सेपरेट कर सकते हैं तो यहाँ से जो है सेपरेटर लगा देंगे और यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, सॉल्ट ब्रिज जैसे KCl, और उसके बाद में जो है एक तरफ क्या डाल देंगे, एक तरफ डाल देंगे जिंक सल्फेट, एक तरफ डाल देंगे जिंक सल्फेट ZnSO4, ये जो है क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है ना, और एक तरफ डाल देंगे कॉपर सल्फेट, यहाँ पर CuSO4। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ इस प्रकार से काम कर रही होती हैं कि जिंक जो है वो Zn2+ में टूटता है और वो जो है कॉपर के 2+ में जो है जाके इलेक्ट्रॉन भेज के और उसको कॉपर में बदल देता है, और इस चीज़ के कारण जो है क्या होता है कि वो कुछ आवेश, गतिमान आवेश उत्पन्न होते हैं जो बाहर की सर्किट में, बाहर के सर्किट में बिजली पैदा कर देते हैं, मतलब विद्युत धारा को उत्पन्न करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब भैया यहाँ पर जो है समझने वाली बात क्या है कि अगर जो है इसके अंदर क्या भाई क्या आवेशों का प्रवाह हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बाहर जो प्रवाहित होने वाला है मतलब चार्ज कैरियर कौन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है जो दौड़ रहा है, लेकिन अंदर जो है कौन दौड़ रहा है, अंदर जो है आयंस हैं जो कि दौड़ रहे हैं, आपको यहाँ पर कॉपर आयन मिल जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर कॉपर आयन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर जिंक का आयन मिल जाएगा, और ये दोनों चल रहे होंगे। अब क्या होगा कि इनके चलने के कारण जो है इनके बीच में जो है भाई संघर्ष यानी कि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और ऐसी स्थिति में जब ये आपस में टकरा सकते हैं तब ये जो विलयन है, ये जो सॉल्यूशन है, इसमें भी एक प्रतिरोध नजर आएगा, उसे हम आंतरिक प्रतिरोध यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, हम उसको आंतरिक प्रतिरोध का नाम देते हैं। अब ये आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, पहली बात, ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड ले रखे हैं वो कितने चौड़े हैं, इसके कारण जो है क्या निर्धारित होगा कि भाई जितना ज़्यादा हम जो है चौड़े मतलब इलेक्ट्रोड लोंगे उतना ज़्यादा जो है आसानी से ये आयन उसमें जाके घुस सकेंगे या उसमें से निकल सकेंगे। दूसरी बात क्या है कि इन इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, इस बात पर भी भाई इन दोनों के बीच की दूरी कम कर देंगे तो ये ज़्यादा आसानी से जो है इधर से उधर पार हो सकेंगे ना, तो ये हो गया। तीसरा है कि ये जो विलयन है उसका जो है घनत्व तो कितना है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इस बात पर भी निर्भर करेगा, ज़्यादा घनत्व तो यानी कि ज़्यादा आयन, और ज़्यादा आयन यानी कि ज़्यादा टकराव। उसके बाद में तापमान पर निर्भरता, जब आप तापमान बढ़ाते हो तो इन आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और आयन तेजी से चलने लगते हैं, जिसके कारण तापमान बढ़ाने से इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होने लगता है। ये तो हम लोगों ने समझा। अब आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा ये जो है EMF है भाई, ये बैटरी के जो है दोनों तरफ जो है जितना हम विभवांतर उत्पन्न कर पाते हैं उसको EMF बोलते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध हमेशा विभवांतर के कैसा होता है, सीरीज में जो है माना जाता है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोगों ने देख लिया, अब हमको एक और चीज़ समझना है कि टर्मिनल विभवांतर और मतलब जो है EMF में अंतर क्या होता है। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है कि किसी भी बैटरी के जो दो इलेक्ट्रोड हैं यदि उनमें धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है, ऐसी स्थिति में इनके बीच का जो विभवांतर होगा हम उसको क्या बोल देंगे, उसको हम EMF बोल देंगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर के किसी सर्किट से कनेक्शन लेते हैं और उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है तो बाहर के सर्किट से कनेक्शन लेते ही जो है इसके विभवांतर के मान में
कुछ गिरावट आती है क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें से भी बहेगी और इसमें बहने के कारण धारा जो है कम हो जाती है। तो इसलिए प्रवाहित धारा वाले सर्किट का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज यानी कि विभव बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अगली बात क्या कहना है कि ये जो सेल हैं, यानी कि भाई हम लोगों को सेल कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये जो है एक सेल का सिंबल है और इसमें जो है आंतरिक प्रतिरोध ऐसा होता है, तो इनको किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहले हम इसको जो है इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ये हो गया हमारा E1, ये हो गया R1, ये हो गया E2, ये हो गया R2, ये हो गया E3, ये हो गया R3 ये सब के सब कैसे कनेक्टेड हैं, श्रेणी में कनेक्टेड हैं, श्रेणी में कनेक्टेड हैं। तो अब आप मान के चलिए कि यहाँ पर जितने भी सेल हैं उनको एक बार थोड़ी देर के लिए अपनी कल्पना में अलग कर लीजिए ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में जो है आप क्या करेंगे कि ये जो है E1, E2 और E3, क्या इनके विभव में जो है कोई अंतर आएगा? बिल्कुल विभवांतर बढ़ेगा। तो कुल मिला के जो E होगा वो क्या होगा, कैपिटल E बराबर E1 धन E2 धन E3। अगर जो है अगर ये जो है सारे के सारे हम एक ही बराबर EMF के जो है बैटरीज कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा NE, ये जो है कुल मिला के EMF का मान हो जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में बोलो, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध के बारे में बोलो। हम देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध है वो भी जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का मान जो है R1, R2 और R3 है, तो ये सारे के सारे जुड़ेंगे और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है कुल मिला के प्रतिरोध R बराबर R1 धन R2 धन R3। या अगर हम मान लें कि सारे के सारे आंतरिक प्रतिरोधों का मान भी एक जैसा है तो ये हो जाएगा R बराबर NR। अब हम क्या देखते हैं कि हम लोगों ने ये जो श्रेणी में बैटरियों को कनेक्ट किया है, इसके बाद में जो है हम क्या करेंगे, हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से जो है इसको जोड़ देंगे। किसी बाह्य परिपथ में जोड़ने पर हमको जो है वहाँ पर बाह्य परिपथ में कोई विभव होगा R, और इसके जो है दोनों सिरों पर जो है विभवांतर होगा जिसका नाम हम ले लेते हैं V। तो हम जो है यहाँ पर बहने वाली धारा के माने में बारे में बात करेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर, तो I बराबर हो जाएगा V बटा R। ठीक है, अब ये V बटा R जो है ये किसके बराबर होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज देखा और वो कितना है भाई, टर्मिनल वोल्टेज था एन ई और बटा आंतरिक प्रतिरोध जो है कितना है, वो है एन आर, एन आर धन आर, और ये किसके बराबर है, ये जो है वी बाई आर के बराबर है। यहाँ से जो है जब हम गणना करना चालू करेंगे तो हमको पता चलेगा जो आंतरिक प्रतिरोध आर का मान होता है वो होता है कैपिटल आर, और यहाँ पर वी बटा ई और ऋण एक, इस प्रकार से जो है हमको आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यदि ये बैटरियाँ कुछ ऐसी हैं जिनका आंतरिक प्रतिरोध जो है बहुत कम है, नगण्य है, उसके बावजूद जो है मतलब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तो क्या होगा कि जो है बहुत सारी बैटरियाँ कनेक्ट करने के कारण इसका विभवांतर जो है वो बहुत बढ़ेगा और उसकी तुलना में आंतरिक प्रतिरोध में जो है कोई ज़्यादा खास वृद्धि नहीं होगी, तो अब धारा का मान हमें उच्च मिलने वाला है। लेकिन जो है अब हम जो है पैरेलल में देखते हैं, और यहाँ पैरेलल में देखिए तो यहाँ जो भी बैटरीज हम लोगों ने इस प्रकार से जोड़ी हुई हैं उसके बारे में जो है आप एक बार जो है कल्पना कीजिए कि क्योंकि इनके जो है धनात्मक हिस्से यानी कि इनके जो एनोड और कैथोड है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है कुल मिला के जो विभवांतर होगा ई वो जो है सारे के सारे बैटरियों का एक बराबर ही होगा। आंतरिक प्रतिरोधों के बारे में बात करो तो भाई यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध कैसे जुड़ रहे हैं, R1 यहाँ से R2, ठीक है, यहाँ से Rn ऐसे मान लेते हैं। तो अब जो है आंतरिक प्रतिरोध कैसे जुड़ रहे हैं, एक बटा स्मॉल आर बराबर एक बटा आर वन धन एक बटा आर टू धन एक बटा आर एन, और इस तरीके से जो नया आंतरिक प्रतिरोध होगा वो होगा एक बटा आर बराबर
एक बटा आर डैश बराबर एक बटा एन गुणा आर, और इस तरीके से आंतरिक प्रतिरोध वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि विद्युत विभव का मान जो है, अब विद्युत धारा का मान कैसे निकालेंगे, तो विद्युत धारा का मान होगा कुल मिला के विद्युत विभव और बटा आर बटा एन धन आर। तो एक तो आंतरिक प्रतिरोध वैसे भी कम था और उसमें भी जो है उसका एनवा हिस्सा हो गया, तो अब यहाँ पर विद्युत धारा का मान जो है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो इस तरीके से जब हम समांतर में जो है बैटरियों को जोड़ते हैं तब मिलने वाली विद्युत धारा का मान ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन बाह्य प्रतिरोध की तुलना में यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो, मतलब ज़्यादा हो, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो तो उसको हमको समांतर में जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो तब हमको उसको सीरीज में जोड़ना चाहिए और इससे हमको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा कर ली। आज हम लोगों ने प्रतिरोधों के बारे में सुना। जब हम आंकिक प्रश्नों की चर्चा कर रहे होंगे तब ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होंगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमसे लगातार जुड़े रहें, सारे विषय पढ़ें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।